तो फाइनली हम पहुंच गए भाई संजक। तो हम संजक क्यों आए हैं, तो क्योंकि आज यहाँ पे इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन होने जा रहा है एमएस संजक पे। तो आज बच्चों को लेके, स्कूली स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पे क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना है, तो आज हम इसलिए आए थे संजक। तो देखते हैं अभी स्कूल की ओर जा रहे हैं, बहुत देर हो गया क्योंकि रास्ते में बहुत सी जगह पे काम चल रहा है, इस वजह से बहुत लेट हो गया काफ़ी। 11:30 बजे प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो अभी हम स्कूल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये पहुंच गए भाई, ये है एमएस संजक, ये स्कूली बच्चे भी अभी जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे वेलकम का बैनर लगा हुआ है, तो हम बस एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय का इंतज़ाम है, पहले चाय पियेंगे, इसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा। Dear students, a good morning, a very good morning to all of you. जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल स्कूल संजक ने पहली बार एक इंटर क्विज कंपटीशन रखा है, तो पार्टिसिपेशन वैसे 11 थे, बदकिस्मती से समर रूमा नहीं आ पाए, तो बचते हमारे पास 10 स्कूल। 10 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे इस क्विज कंपटीशन में। थोड़ा सा लेट हो गया या जाम होने की वजह से या रास्ता ना खुलने की वजह से थोड़ा लेट हो गए, एसडीएम सर भी आने वाले हैं, तो इससे पहले आप लोग बोर ना हो, इसीलिए हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह करना है। तो यहाँ पे बच्चे जो हर स्कूल के बच्चे अपना यहाँ से एक एक चीट उठाना है, तो चीट पे जो भी बेंच का नंबर आ गया 1 से 11 के बीच, तो उसी पे उनको बैठना है। तो यहाँ से हर स्कूली बच्चे आके अपना अपना चीट निकालना है। संचित पावना से पुष्प की शुभमाल लेकर, हृदय संचित पावना से पुष्प की शुभमाल लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्वागत के शुभ भाव लेकर। आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्वागत के शुभ भाव लेकर। अ वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वर्दी एसडीएम रिस्पेक्टेड ZU सर एंड ऑल अदर डिग्निटरीज parents, dear students. I welcome you all to have you here at the first inter-school competition organized by Middle School Sanjak, where brains meet brilliance and curiosity meets competition. Mana adhinayak jaya hai Bharat bhagya vidatha Punjab सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे दाहे तव जय गाथा जनगण मंग दायक जय है भारत भाग्य विदाता जय है जय है जय है जय 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 है। कोई टीचर मेहमान प्लीज, शबीर सुलेमानी सर, आप उनको अगर गाइड कर पाए, मतलब उनका थोड़ा साथ दे पाए स्कोर बोर्ड पे, आपको करना कुछ नहीं, उनके लिए चेयर अलग से होगा, उनके लिए चेयर दे दीजिए प्लीज। आप वहाँ बैठना है, खाली रेक्टिफाई करने के लिए रखा हुआ है, और
और हमारा यहाँ पे थर्ड एम्पायर पे होंगे मास्टर जाफर सर और फैज सर, प्लीज अब आएंगे रखा हुआ है सर। तो मैं अपने जरियो सर से चाहूंगा कि वो या प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर हायर सेकेंडरी स्कूल पहले और एक बात वो बताना मैं भूल गया, हर एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट, ठीक है सर? एक मिनट इनफ है सर, एक मिनट मतलब उनको दिया जाएगा टाइम क्वेश्चन, मतलब हमने माल लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्वागत के शुभ भाव लेकर, आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्वागत के शुभ भाव लेकर। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती की आप हमारे मेहमान हैं। इसी के साथ अ वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वर्दी एसडीएम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी शकर एंड चिकन जेडियो सर, जेडीपीओ सर एंड अदर डिग्निटरीज एंड डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू हैव यू हियर एट द फर्स्ट इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिडिल स्कूल संजा। Where brains meet brilliance and curiosity meets competition. We come together to celebrate the power of curiosity, the joy of learning and thrill of competition. We are here to explore the depth of your knowledge and quickness of your wit. तो इसके बाद अब मैं हेडमास्टर सर को खिताब के साथ मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों जनों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाएगी, तालियां बजाएंगे। Respected chief guests, worthy SDM sir, principals of high secondary schools, respected ZDO sir and ZDPO sir, staff members from ZDO office, headmaster from participating school, Scott teachers, parents and my dear students, a very good morning to all of you. सीटिंग अरेंजमेंट हो रखा है सर ऑलरेडी क्विज कंपटीशन में, तो प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हुए आप सभी का बहुत वेलकम, फिर से अगेन वेलकम करता हूँ यहाँ पे इस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, स्वागत करें, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, एस डी एम सर प्लीज एक पिक करेंगे इसमें से, तो जो राइट लेफ्ट निकलेंगे वहां से हम क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, तो अगली बार होगा फिर वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एस डी एम सर का राइट होगा, तो उनकी राइट की तरफ से यहां से क्वेश्चन पूछेंगे हम, टेबल नंबर 10 को
पहला क्वेश्चन एमएस संजक 11 नंबर टेबल नंबर 11 से शुरू करेंगे। आपके सामने एक पेन और कॉपी दिया रखा है हमने, और आपको अगर चाहे तो लिख सकते हैं, एक मिनट आपको मिलेंगे क्वेश्चन पूछने के बाद। तो मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन डैश में है, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उसमें आर्टिकल पढ़ने, मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, आर्टिकल पढ़ने, जैसे आप सबको पता है, ये तो नहीं बताऊंगा कि आर्टिकल कितने हैं, आप लोगों को बखूबी पता होगा, तो आर्टिकल पढ़ने हैं, तो मैं डैश बोलूंगा, डैश में कौन सा आर्टिकल आएगा आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गया, रूल समझ गए आप लोग, रूल पहले समझ गए, क्वेश्चन कैसे देने, क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, सिर्फ आपको आंसर बोलना है। ठीक है, अगर आप चाहे, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अपने पेपर पे पेन से लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप जवाब आराम से दें, एक दूसरे से डिस्कस करें, टीम मेंबर का काम यही होता है कि एक दूसरे से डिस्कस, एक दूसरे का साथ निभाएं। ठीक है, तो चलिए आप माइक देने के लिए मैं किसी को, ठीक है माइक, ठीक है माइक आगे बढ़ाएंगे हमारी मैडम। तो पहला क्वेश्चन जो है, पिकासो वाज देश आर्टिस्ट, पिकासो वाज देश आर्टिस्ट, कौन सा आर्टिकल आएगा इस देश में, पिकासो वाज देश आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट इज राइट आंसर, जीएमएस शकर को। अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, एन राइट आंसर, एन राइट आंसर, तालियां हो इनके लिए, डीएमएस 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 चिंतन के लिए, आई स्टडी एट डैश स्मॉल कॉलेज इन जम्मू, आई स्टडी एट डैश स्मॉल कॉलेज इन जम्मू, देश में क्या होंगे, कौन से आर्टिकल होंगे, ए राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, वी यूज टू लिव इन डैश सिटी सेंटर, कौन सा आर्टिकल आएंगे देश में, राइट आंसर, राइट आंसर, इनको रॉन्ग आंसर, सिंगर रहमान कम्स फ्रॉम देश ऑर्डिनरी फैमिली, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, इज देयर देश पेट्रोल स्टेशन नियर हियर, राइट आंसर, देश अर्जेंट मीटिंग टुडे, कौन से आर्टिकल आने में देश में, राइट आंसर, हाउ मेनी प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, प्लेनेट, राइट आंसर, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ, ओशन ऑन अर्थ लार्जेस्ट, राइट आंसर, इज नोन एज ब्लू प्लेनेट, राइट आंसर, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट, राइट आंसर, इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया, राइट आंसर, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सेवन, राइट आंसर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीएमएस हमीज के लिए, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, राइट आंसर, वेरी नाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जेएमए शमते के लिए, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, आंसर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, एमएस चिंतन के लिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया,
टाइम अप, आई एम सॉरी, इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट आंसर, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, राइट आंसर. Now BMS Chiktan, who is the current CEC of Ladakh Kargil? Sir Muhammad Jafar Akhon. Right answer, Dr. Jafar Akhon. Very good. Six. Very good. Right answer. Bol do, wrong answer hoga koi baat nahi. Time up. India. I go on next phase tara. Socialist Dragon. Right answer. Over division, multiply, addition, subtraction. Right answer. लगा होगा कुछ इनजस्टिफाइड नहीं हुआ होगा, तो अपने ओर से अगर कुछ गलतियां हुई भी होगी तो हम माफी चाहते हैं आप लोगों से. तो इसी के साथ मैं बीसी मेंबर हाजी अबाजर जी को मंच पे बुलाना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि वो अपना दो अनमोल शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करें. स्कूल के बच्चे और बच्चियां, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते. यानी हर बच्चे हर एक दूसरे के काबिलियत को आसमाने और परखने का मौका मिला, जिससे बच्चों की जहन में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा. उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जरियो साहब और बाकी तमाम स्कूल के हिमाचल साहिबान से गुजारिश है कि ऐसे प्रोग्राम हौसले बुलंद होते हैं उनके, हौसले बुलंद होते हैं उनके जिनको नतीजों की परवाह नहीं होते, हौसले बुलंद होते हैं उनके जिनको नतीजों की परवाह नहीं होते. हम सफ़र किताब हो जिनके, हम सफ़र किताब हो जिनके रास्तों को उनकी फिक्र नहीं होती. माशाल्लाह मरहबा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आए हुए हैं उनसे हमें बेहतरीन इल्म का इजाफा हुआ. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे कंपटीशन जैसे क्विज कंपटीशन हो या कोई भी और को करिकुलर एक्टिविटीज जो कि आज यहाँ हुआ है, इससे ना सिर्फ किताबी इल्म में इजाफा होता है बल्कि बच्चों के जो कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके जो मोटिवेशन होते हैं, उनको जो एक्सपोजर मिलता है, इन सब में ये एक बहुत अहम होता है. को करिकुलर एक्टिविटीज हर स्कूल में ज़रूरी होता है, ये पढ़ाई के साथ साथ ये हर स्कूल में होना चाहिए. और यहाँ जो संजक में पहली बार क्विज कंपटीशन का मुनाकिद हुआ है, तो इसके लिए मैं संजक के जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं और हेड मास्टर, बिलखसूस हेड मास्टर सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ.
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तारुण हमेशा और आइंदा भी स्कूल के भलाई और इन बच्चों की भलाई के लिए और इन बच्चों की अभियारी के लिए आप हमेशा तारुण से नवाजते रहेंगे। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये क्विज कंपटीशन वगैरह जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे चिकन जू में होना चाहिए, वो मैं अपनी जगह महसूस करता हूँ नाकाफ़ी है। आइंदा के लिए संजक मॉडल हाई मिडिल स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोग एक इवेंट, चाहे क्विज कंपटीशन हो, कोई भी इवेंट हो, वो आप ऑर्गेनाइज करेंगे आइंदा के लिए। ऊपर जिम्मेदारी देंगे कि माह के बाद कंटिन्यूसली वन सीन मंथ एक न एक एक्टिविटीज हम पूरे चिकन भर में हम इनकार करने के लिए स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सभी हजरात का और ख़ासकर यहाँ जो तशरीफ लाए हुए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हमारे स्कूलों के, आप लोगों को भी थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और एक दूसरे से रूबरू हुआ और एक दूसरे को जांचा परखा कि भाई कौन कितना पानी में है और कितना पानी से बाहर है, और मुझे आपकी बात कितना और एफर्ट करना है। ये शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने मन में ठान लिया होगा कि आज की बात मैंने करना ही तो करना है, सबसे ज़्यादा करना है और सबसे आगे करना है। और एक चीज़ ये थोड़ा बहुत मुझे यूनिक लग रहा है इस इवेंट में, भले ही आपने सिंपल टू कम्प्लेक्स का एक थॉट लेके ये कंटेस्ट आपने यहाँ पे ख़त्म की, तो आइंदा के लिए अगर हमें कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो स्पेसिफिक होना चाहिए। या एक स्कूल सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए को ही रखकर बेस बना के ये क्विज कंपटीशन, दूसरा कोई स्कूल सिर्फ साइंस को लेकर, तीसरा कोई स्कूल मैथमेटिक्स को लेकर, चौथा कोई स्कूल कोई स्पोर्ट्स को ही लेकर, कोई भी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है, ताकि जिससे बच्चों को एक मजीद अच्छा स्पेस मिले कि वो एक तरीके से स्कूल में या घर में उस इवेंट को या उस कंटेस्ट को जीतने के लिए, वो मेहनत करने के लिए उसके अच्छा एक माहौल मिलने का चांस है। बहरहाल बहुत टाइम हो चुकी है, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस हमारे एस डी एम साहब का और हमारे प्रिंसिपल हजरात का कि आप लोगों ने अपने समय से समय निकाल के हमारे इस मुख्तसर से इवेंट को सक्सेस करने के लिए आपने नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हेडमास्टर संजय अजी साहब, जितने स्कूल मैनेजमेंट हैं, इन्होंने इतना अच्छा कॉम्पिटिशन अरेंज किया है, उन सबको शुक्रिया, उनके एफर्ट्स को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि जितने ऐसी जगह में ऐसा इवेंट पहली बार हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हैं और एक दूसरे उभरे हो रहे हैं। आज के इवेंट के बारे में बात करें तो जिन स्कूल्स ने बच्चे जो भेजे हैं पेयर में मेल फीमेल है, उन पर दिल से अप्रिशिएट अलग से करना चाहूँगा। दो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें एक मेल एक फीमेल, जैसे शकर तो हो गया, शकर हो गया, संजय हो गया, खातून हो गया, तीजे भी मान लो लेडीज हैं, क्योंकि उन्होंने बारह उनका टाइम चल रहा है, हमारे लिए अप्रिशिएट, ये डाटा बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से और सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा है, निराश नहीं होना, क्योंकि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन बोल होना चाहिए नॉलेज, काफी बनोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं हेडमास्टर सर को मंच पे बुलाना चाहती हूँ कि शुक्रिया करता हूँ कि आप साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। Especially, it's my great pleasure to thank our esteemed sub-divisional magistrate who accepted our invitation and came here to attend the program. इस चीज से हमें education के प्रति इनकी लगन, इनकी मेहनत, बच्चों से इनका मोहब्बत, हमें इस चीज से पता चलता है कि इन्होंने अपने अवेलेबल टाइम में से वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाए। साहब और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की गाइडेंस के मुताबिक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें सिर्फ हेडमास्टर से काम नहीं होने वाली, मेरे पूरे इनका अपने टीचर्स टीम का जो टीम वर्क, काफी टीचर्स में हमारे पास स्टाफ जो है सर वो 6-7 ही है, इन्होंने जितने एफर्ट्स किए इस प्रोग्राम को करने के लिए, मेरा इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा क्रेडिट जो है हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे पेरेंट्स, हमारे वीसी साहबान,
हमारे नौनिहाल इन बच्चों में, इन बच्चों को हमसे ज्यादा इनमें क्यूरियोसिटी थी कि हम अपने दूसरे फ्लोर से इंफेक्ट होंगे, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमें यानी वो खुद हमसे क्वेश्चन, ये अगर स्कूल क्लास में टीचर नहीं पूछते इनको क्विज कर रहे, किसी ने क्विज ना बताया, इनको क्यूरियोसिटी रहती थी कि आके ये खुद यहाँ से टीचर को ही लेके जाते थे क्लासरूम में, सर आप आज ये आए कल वो आए, इतनी क्यूरियोसिटी इनको, इन्हें इसी तरह के दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी ऐसा ही मुझे लगता है कि बच्चों ने काफी मेहनत की है। इंशाल्लाह हार जीत ये सिक्के के दो पहलू, इस आप अपनी फेलियर्स को हमने अपनी सक्सेस में तब्दील करना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को, हमें जो सर ने बचाया, जेम साहब ने, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इन बच्चों का अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में आपके गाइडेंस का, हमारे जाडियो साहब का इसमें काफी सपोर्ट रहा है सर, इन्होंने बार बार गाइडेंस के साथ रबते में रहे, तो इस प्रोग्राम को एक ग्रेट सक्सेस मिला, इसके लिए आप सबका एक बार फिर मैं दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जैसे हमें पहले से पता है, फर्स्ट पोजीशन किया है इस क्विज कंपटीशन में। पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ी चीज है एक आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमारे एसडीएम सर ने भी कहा, हमारे मास्टर ने भी कहा, तो पार्टिसिपेशन के लिए उस पार्टिसिपेशन के लिए हमने आपके लिए मोमेंटोज रखे हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एम एस खार्दून प्लीज आप दोनों आए, गरीबियों साहब प्लीज। तालियों से स्वागत है इनका, इनके लिए कम से कम तालियां होना चाहिए, सात प्राइज उन्होंने पाए। केजीबीबी चिकन, इनके स्कॉट टीचर हिमाचल एडमिशन से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इनके लिए।